मैं कानपुर हूँ। चुनाव आते ही मुझ में एक अलग रंग चढ़ने लगता है। वैसे तो पूरे यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, लेकिन मेरी बात कुछ अलग है। चुनाव आते ही कानपुर की गलियों से लेकर सड़कों तक सिर्फ और सिर्फ चुनाव का खुमार चढ़ जाता है। हर कोई चुनाव को लेकर एक्टिव हो जाता है, फिर वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, हर तरफ चुनाव की चर्चा शुरू हो जाती है। कानपुर प्रसिद्ध है गंगा बैराज के लिए, गंगा के घाटों के लिए, लेकिन इस वक्त कानपुर में चढ़ा हुआ है चुनाव का रंग। सड़क पर निकल जाइए तो चुनाव की बात, गली मोहल्लों में देखिए तो चुनाव की बात। हर नुक्कड़, हर चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ कानपुर में हो रही चुनाव की बात। आखिर चुनाव का रंग चढ़े भी क्यों ना, क्योंकि कानपुर की रग रग में नेतागिरी है। मार्केटिंग के फंडों से पूरी तरह रंग चुके हैं। रोड हो या गली, हर तरफ चुनाव को लेकर सुबह से शाम तक बातचीत शुरू हो चुकी है। सभी को अपना पार्षद चुनना है और कानपुर के लिए मेयर चुनना है। सबकी अपनी अलग अलग राय है, कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। हर कोई अपनी बात अपने अंदाज में बयां कर रहा है, क्योंकि सबके ऊपर चढ़ने लगा है चुनावी रंग। राजनीति और कानपुर का जुड़ाव हमेशा से रहा है। कोई भी चुनाव हो, कानपुर के लोग अपना प्रतिभा ज्यादा से ज्यादा दर्ज कराते हैं, और इस बार बात तो निकाय चुनाव की है, जहां घर घर से नेता निकलेंगे, यानी कि सभासद का चुनाव होगा, साथ ही मेयर का भी। तो हर नुक्कड़ पर चर्चा होनी शुरू हो गई है कि उनका नेता कैसा हो। हम चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो अपने सभासद और मेयर में किस तरह की विशेषताएं ढूंढते हैं। कुछ क्वालिटी चाहते हो? अब हमारा नेता, अब नगर निगम के पार्षद ही और महापौर का चुनाव हो रहा है, तो महापौर के रूप में यही चाहते हैं कि नगर को स्वच्छ बनाएं, समय समय पे लोगों को मिलते रहें, उनकी परेशानी है, जो नगर निगम की अवैध दुकानें हैं उनको गिराने का प्रयत्न करें, जो नगर निगमों के ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है उनको हटाएँ, क्योंकि अधिकतर जो वो हैं कब्जे वो नेताओं के द्वारा ही किए हुए हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा चमनगंज में बाबा बिरयानी वाला मैटर में, तो राम जानकी मंदिर के लिए मैडम ने कितना काम किया, प्रमिला पांडे जी ने। तो हमारा नेता ऐसा हो जो 2400 घंटे नगर के लिए अपना काम करे। शिक्षित होना कितना ज़रूरी है? शिक्षित तो होना बहुत ज़रूरी है, बिना शिक्षा के वो देख ही नहीं पाएगा कि कौन से पेपर क्या हैं, ज़मीनों के पेपर पुराने हैं नए हैं, उनको देखने के लिए तो शिक्षित होना आवश्यक है। यही होना चाहिए कि भाई हम लोगों से, जैसे कि हम लोग कभी जैन से मुलाकात हो सके, और इसके बाद हमारी सड़कें हों, सड़कें सही हों, गड्ढे वगैरह हैं, देख रहे हैं आजकल हम लोग गाड़ी पे चल रहे हैं, पता चले वहाँ पे इतने गड्ढे गुड्ढे हैं, पता चले गाड़ी जलाने में आए दिन एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब लोग पता चले जा रहे हैं नेताजी के जा रहे हैं, नेताजी से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, वो पता चले अंदर बैठे हैं, ऐसा ना, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। बस ऐसी कुछ होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए वही, जिससे उनकी जो भी दिक्कतें आ रही हों उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, यही सब, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए। मेयर तो अच्छा होना ही चाहिए, सभासद तो हमेशा बवाल बट्टा, काम कुछ नहीं, टाइम से बस केवल काम न करना। आपको क्या लगता है, क्या विशेषताएं हैं, साफ सफाई, बिजली, पानी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होने ही चाहिए, लेकिन कराते कहाँ हैं? एक तो स्वीपर 10 बजे लगाते, नहाता धोता आदमी सुबह 6 बजे, कूड़ा कौन फेंके? किन किन अभी समस्याओं से गुजर? बस यही समस्या है कि सुबह से ही स्वीपर लगने चाहिए क्षेत्र में। आप अपने नेता में किस तरह की क्वालिटी देखते हैं, चाहे सभासद हो या मेयर?
अपने शहर के हिसाब से सफाई, साफ सफाई पहला मुद्दा है, दूसरा मुद्दा पेयजल सड़कों का मुद्दा है। इस हिसाब से देखते हैं, अभी जो प्रेजेंटली मेयर थे वो हम लोगों के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है, और सभासद तो एक व्यक्तिगत क्षेत्र मोहल्ले वाइज वाली व्यवस्थाएं हैं। अब वो तो आदमी के काम पे डिपेंड करता है कि जो जैसा है वो इस हिसाब से काम करता है तो उसी हिसाब से लाइक किया जाएगा, उसी को वोट देंगे। कार्य सारणी के लिए तो ऐसा है कि आप आज के समय को देखते हुए जो ये प्रकरण चल रहा है नगर निगम का, इसको देखते हुए ही आम जनता को अब इसमें वोट देना चाहिए, दूसरा कोई मेयर, दूसरा कोई पार्षद जो इस प्रकार से आगे अपने कार्य को बढ़ाता रहे, जो चला सके, वैसे ही लोगों को चुन के जनता को जनता के बीच लाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो ध्वस्त कर दे सारी सीमा व्यवस्था। अभी तक हमारी जो है मेयर रही है कानपुर की प्रमिला पांडे, इन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए इन्होंने जो कि जन कल्याण के लिए थे। कुछ पार्षद कुछ क्षेत्रों के ऐसे रहे हैं जो अपने कार्यों में खरे नहीं उतरे हैं। क्या चुनाव होने वाले हैं, आप अपने नेता में किस तरह की क्वालिटीज़ देखते हैं? नहीं, देखिए हम लोग तो एक्चुअली में क्या कहते हैं, समाज के लिए ही काम करते हैं। और दूसरी चीज़, नेता में क्वालिटी क्या है, एक तो सारे नेता आज के समय में एक ही जैसे कार्य कर रहे हैं, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो रहा है कि जिससे जनता का फ़ायदा हो रहा हो, बल्कि जनता परेशान हो रही है। चाहे व्यापार हो, चाहे कारोबार हो, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो, प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है हर चीज़ की। इस प्रकार से हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुन के आए जो कानपुर की समस्याओं का निवारण करे, साथ ही उसमें लोगों की भागीदारी भी हो, जनता की भी उसमें हिस्सेदारी हो, और इस प्रकार से काम हो कि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, बल्कि कानपुर का एक विकास हो, कानपुर का एक नाम आगे हो, और कानपुर एक आगे की ओर अग्रसर हो, तो हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे। अभी क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं? देखिए अभी तो ये समस्याएं हैं कि सबसे पहले तो व्यापार, बेरोजगारी, कानपुर में इतनी बेरोजगारी होगी, जो पुरानी फैक्ट्री मिल है उनकी तरफ कोई ध्यान देना नहीं चाहता, मजदूर बैठे हुए हैं अनशन में, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास मैन पावर है, हम दूसरे राज्यों में मैन पावर अगर हमारा राज्य का और हमारे स्टेट का या हमारी सिटी का जा रहा है तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। तो हमारा तो सोचना ये है कि किसी भी प्रकार से कि कानपुर का जो मैन पावर है उसको कानपुर के लिए ही यूटिलाइज़ किया जाए और कानपुर का ही विकास उससे आगे बढ़े। खुद सुना कि जनता का क्या कहना है, हमने ऐसे लोगों से बात की, ऐसे आमजन से बात की जो किसी न किसी चौराहे पर चुनाव संबंधित ही चर्चा कर रहे थे, और जिनका यही कहना है कि उनका नेता ऐसा हो जो समाज हित में कार्य करे। अब चलेंगे कुछ और नए लोगों के पास और जानेंगे कि उनकी क्या राय है।